नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, टॉप 100 साइंस और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है, दो पार्ट हो चुके थे, तीसरा पार्ट है ये। और ये एक्चुअली मेरा यूपी पीसीएस का जो टेस्ट सीरीज है उसका टेस्ट नंबर 6 है। इसमें 100 क्वेश्चन है टोटल और वो साइंस और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। आप अगर चाहें तो फ्री में आप ले सकते हैं, ये सब फ्री में मतलब पढ़ सकते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाके आप पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर मैं इसकी करके लिंक दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप चाहें ये जितनी भी यूपी पीसीएस में जैसे अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए टोटल हमारा टेस्ट सीरीज़ का पैकेज ले सकते हैं आप, उसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। अभी 25% का डिस्काउंट भी चल रहा है, उसके साथ आपको टोटल करंट अफेयर, मिनरल, एग्रीकल्चर और बहुत सारी जो ये सब PDF मिल जाएंगी फ्री में। चलिए इसमें 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 में से बताइएगा कितना स्कोर आया। 21 वाला क्वेश्चन है, चार ये चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, इनमें से लोकल जो लोग होते हैं उनको जो वहाँ का बायोमास है लकड़ी उड़की कलेक्ट करने की इजाज़त कहाँ किस में मिलती है इन चारों में से, जल्दी से बताइए। 21 वाले का यानी कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बताइए इसका होगा, पहले का इसका आंसर है सी। ठीक है, कि आप बायोस्फीयर रिजर्व से कर सकते हैं, वेटलैंड से कर सकते हैं, इवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कर सकते हैं, नेशनल पार्क से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाला जो है फोटोकेमिकल स्मॉग, ये किसकी वजह से होता है जल्दी से बताइए। 22 में करेक्ट आंसर बताइए, इन चारों में से किसकी वजह से होता है, किसके जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में किसके किसके बीच में रिएक्शन होता है। 22 का करेक्ट आंसर है, 22 का करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, 1, 2, 4 नाइट्रस और ये NO2 मतलब और ये ओजोन और परोक्सीटिल नाइट्रेट। इसमें नेक्स्ट है, इसमें हरिके जो वेटलैंड है वो किस कौन कौन सी इनमें से जो रिवर है उनके कॉन्फ्लुएंस पे मतलब उनके जहाँ पे उनका संगम अंगम बन रहा है वहाँ पे बनता है हरिके वेटलैंड, जल्दी से बताइए। 23 का करेक्ट आंसर है ए, ब्यास और सतलुज। 24, इस समय कितने वेटलैंड जो इंडिया के हैं वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किस लिए होता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इसलिए होता है कि वो मतलब ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ ज़्यादा हो रही है और कंजर्वेशन की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इस समय कितने हैं, 24 वाले का करेक्ट आंसर है, तो 24 वाले का करेक्ट आंसर है ए। दो साइट हैं अभी, एक है केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, राजस्थान वाली, और एक है लोकटक लेक जो मणिपुर में है। ठीक है, अभी इसमें एक और थी चिल्का लेक थी उड़ीसा की, उसको हटा दिया गया था 2002 में। अच्छा ये बताइए टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड कितने हैं इंडिया में जो रामसर साइट जिसको कि रिकॉग्नाइज करती है। पहला तो ये बताइए नंबर ऑफ वेटलैंड कितने हैं, दूसरी बात ये कि रामसर जो वेटलैंड कन्वेंशन था वो इफेक्टिव कब हुआ था, किस सन में हुआ था, किस ईयर में। 25, ये तीन बॉडी दी हुई है, इनमें से बताइए कौन कौन सी जो है, कौन कौन सी जो है वो स्टैटूटरी बॉडी है, जल्दी से बताइए। स्टैटूटरी मतलब लॉ के अंडर क्रिएट की गई। 25 वाले का करेक्ट आंसर होगा, 25 वाले का करेक्ट आंसर है बी, 1 और 2। ठीक है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और NTCA। अच्छा एक बात ये बताइए आप, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन होता है, NTCA का कौन होता है और NGRBA का कौन होता है। 26 मतलब आज का छठा क्वेश्चन है, तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं बायोफ्यूल से रिलेटेड, इसमें से आपको बताना है करेक्ट वाला। 26 का करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से पढ़िए और बताइए। 26 का करेक्ट आंसर है ए, तीनों सही है। 27, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में मैं जल्दी बढ़ जाया करूँ तो आप पॉज कर लिया करो उसको। 27 में इसमें इनकरेक्ट वाला बताना है कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है इसमें। 27 देखिए, ये चार जनरेशन के हैं इस समय अगर आप देखेंगे बायोफ्यूल। ठीक है, पहला वाला जनरेशन से रिलेटेड कुछ कमेंट है, सेकंड वाले का है, थर्ड वाले का है। ये जो आपका 27 में है इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से, देखिए इसमें 27 वाले में जो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है और इसलिए जो इसका आंसर है डी। ठीक है, 27 का डी है मतलब सातवें क्वेश्चन का डी है। नेक्स्ट है, इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं और आपको इसमें बताना है करेक्ट वाला। ठीक है, 28 वाला जो है वो बताना है आपको, यानी कि आठवां क्वेश्चन बताना है आज। आठवां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग ये थी और PM2.5 में क्या क्या पॉल्यूटेंट होते हैं, सल्फेट, नाइट्रेट और कार्बन। आज का नवा क्वेश्चन, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है हेड क्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत चर्चा में था अभी बीच में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है साउथ इंडिया में है ये,
सॉरी नॉर्थ इंडिया में हो गया ये, पहले ही चेन्नई में था, अब ये नॉर्थ इंडिया में कर दिया गया है। एक्चुअली बेटर कोऑर्डिनेशन हो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और बोर्ड के बीच में, इसलिए इसको शिफ्ट किया गया है, ठीक है, ये चर्चा में था। तो ये कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, अब बल्लभगढ़ जो है हरियाणा का, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है हेडक्वार्टर। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं इनमें से, 30 वाले का करेक्ट आंसर होगा 1, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 3, 4, 5। तो ये है चार, इसी के साथ ख़त्म होता है आज का। ये 10 में से कितने आपके आए ये बता दीजिएगा जरूर से जरूर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और पूरा अगर आपको चाहिए पूरी मैं PDF जो है टेस्ट 6 लिख के वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा। टेस्ट 5 जो हमारे फुल लेंथ है वो वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं।